बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये कोर्स जो है पीबीजी 613 का है, तो इसके अंदर एक्चुअली अभी तक हमने लैब सेफ्टी मेजर्स के मुतालिक पढ़ा है, बायो सेफ्टी के मुतालिक हमने पढ़ा है, तो आज हम उसी बायो सेफ्टी का टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल से भी बायो सेफ्टी के कंसर्न होते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को आपने कैसे डील करना है, जब आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ वर्क करना है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आपने ऐसी लैब में जाना है जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ काम हो रहा है, तो आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन, ठीक है जी, लाइक आपका प्रॉपरली ड्रेस होना चाहिए, लैब कोट होना चाहिए, शूज बंद होने चाहिए, राइट। सो वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उनको बोलते हैं PPE, तो ये लाजमी होने चाहिए। उसके बाद सेफ्टी ग्लासेस आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपको पता कि जब हमने ग्लव्स पहने हो, तो उसके बाद हमारी जो रिस्ट हैं, जो सिलाइयाँ हैं, वो फिर भी जो है ना वो नेकेड रह जाती हैं, तो आपने उनको खसूसी तौर पर प्रोटेक्ट करना है। या तो आप रिस्ट को ऊपर चढ़ा के ऊपर कोई रिंग बैंड बांध लें, या स्लीव्स या आप ऐसी पहने जिस जो प्रॉपरली जो आपकी रिस्ट को कवर कर ले। उसके बाद आज जो आपके कंटेमिनेटेड लैब कोट्स हैं उनको प्रॉपरली वॉश करवाने के बाद आपने यूज करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्लोथिंग आपके पास हो, ताकि अगर किसी वक्त कोई लैब कोट या आपकी क्लोथिंग कंटेमिनेट हो जाती है तो आप उसको चेंज कर लें। इसके अलावा पेट्रोलियम बेस्ड जो हैंड क्रीम्स हैं वो आपने यूज नहीं करनी, क्योंकि जो पेट्रोलियम बेस्ड हैंड क्रीम्स हैं वो आपके ग्लव्स को ज्यादा परमिएबल बना देती हैं, यानी कि उसमें से रेडियो एक्टिविटी के ज्यादा पास होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लैब के अंदर आपने ना फूड एंड बेवरेजेस लैब के अंदर नहीं लेके आनी, ना ही वहाँ पे स्टोर करनी है, और ना ही उनको अपने डेस्क के ऊपर रखना है। जब आप लैब से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे आपने अपनी जो भी आपका फूड एंड बेवरेज है वो लैब से बाहर रखना है, लैब के अंदर नहीं लेके आना। हमारी जो लैब है जहाँ पे हम टीम में काम करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आल तो वहाँ पर भी आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है वहाँ पे तो बिल्कुल भी फूड लेके आपने नहीं जाना। उसके बाद सिक्योरिटी का आपने खास ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जो वायल्स हैं जिनके अंदर आपका मटेरियल मौजूद है, जो आपकी वायल्स होंगी या जो आपकी टेस्ट ट्यूब होंगी या जो भी ग्लासवेयर होंगे, उनको आपने प्रॉपरली सिक्योर करना है, ठीक है जी। उसके बाद उनको लॉक्ड बॉक्स के अंदर रखना है, ताकि कहीं किसी किस्म की कोई स्पिल होती है तो वो बाहर ना स्पिलिंग हो। उसके बाद उसको आपने फ्रीजर के अंदर या डीप फ्रीज के अंदर या जो भी आपका -80 है या -20 रेफ्रिजरेटर है उसमें रखना है, और उसको भी लॉक आपने रखना है। उसके बाद जब आपने लैब से बाहर जाना है तो लैब को भी आपने लॉक करके जाना है, अनअटेंडेड आपने लैब नहीं छोड़ के जानी। उसके बाद जो भी विजिटर लैब के अंदर आए तो उसकी 100 ऑल टाइम आपने सुपरविजन करनी है। साथ में जो भी विजिटर आए उसको आपने प्रॉपरली समझाना है कि ये लैब के अंदर ये काम होता है, तो आपने इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना। उसके बाद अगर कोई भी आपको मिसिंग मटेरियल मिलता है तो उसको आपने फौरी तौर पर जो है आपने जो सिक्योरिटी का ऑफिस है उनको नोटिफाई करना है, नोटिफाई करके उनको बताना है कि हमारा जो मिसिंग मटेरियल है वो लॉस हो गया या मिल नहीं रहा या वो नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। तो अगर आपको इसके अलावा अगर आपको कहीं पे कोई मिसिंग मटेरियल मिलता है तो वो भी आपने सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर फौरन आपने कॉन्टेक्ट करके उनको वो मटेरियल वहाँ तक पहुँचाना है। उसके बाद साइंस जो रूम्स हैं उनको साइन प्रॉपरली होना चाहिए, उनके ऊपर आपको बताता हूँ कि किस तरह का जो है ना साइन बोर्ड लगा होना चाहिए, लाइक दीज, जैसे ये एक लिखा हुआ है कॉशन रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो इस तरह का साइन बोर्ड दरवाजे के ऊपर लगा होना चाहिए। इसी तरीके से जो इक्विपमेंट है और जो कंटेनर है उनके ऊपर भी लेबलिंग होनी चाहिए प्रॉपरली। उसके बाद आज जहाँ पे आपने काम करना है, जो आपका वर्क एरिया होगा, वहाँ पे आपने एब्जॉर्बेंट पेपर लगाना है। एब्जॉर्बेंट पेपर क्या करेगा एक्चुअली, कि वो जो भी थोड़ा बहुत रेडिएशन स्पिल होगी या कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल स्पिल होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा फौरन, उसको जो है ना वो फ्यूम नहीं बनने देगा। उसके अलावा जिन इक्विपमेंट्स के ऊपर आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ काम करना है, उन इक्विपमेंट्स के साथ आपने बाकी कोई काम नहीं करना है, तो वो डेडिकेटेड इक्विपमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पाइपर्स हैं
तो जिन पाइपेट से आपने रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज करना है उनको आपने दोबारा किसी और जगह पर यूज नहीं करना, ये ना हो कि आप डीएनए एक्सट्रैक्शन भी उसी के साथ कर रहे हैं और आप जनाब जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो भी उसी के साथ मैयर कर रहे हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। उसके बाद लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ये आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस आपने करनी है। फॉर एग्जांपल आपको पता हो कि रेडियो आइसोटोप्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो कितने जल्दी जो है ना वो रेडियो है, कितनी उनकी कब उनकी हाफ लाइफ है, कितनी जल्दी जो है ना वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं और कितनी जल्दी वोलेटाइल वो हो जाते हैं। अच्छा जी, आपने जितने भी प्रोसीजर्स हैं इनसे बचने के लिए या रेडियो एक्टिविटी के हैजर्ड से बचने के लिए उनकी आपने बार बार रिहर्सल करनी है। उसके बाद जब आप काम वर्क करना शुरू करें तो उससे पहले आपने एक सर्वे करना कि आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपके क्लॉज बिल्कुल ठीक हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई आपके पास इक्विपमेंट मिस तो नहीं है। उसके बाद आपने रेडिएशन मॉनिटरिंग बैजेस जो है वो आपने वियर करने हैं हर वक्त, ताकि पता हो कि आप जो कहाँ जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मौजूद है। उसके बाद जब आपने ग्लव्स को चेंज करना है तो उनको आपने एक तो फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, दूसरा जब भी आप इनको चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद उसको आपने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है। ऐसा नहीं है कि उनको आपने कहीं पे आम कंटेनर के अंदर फेंक देना है, वो भी कुछ देर के बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आ जाता है कि उसके कंटेनर्स जो है वो कैसे होते हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल आपने फेंकना है। तो सारी प्रोडक्ट जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है वो आपने एक स्पेसिफिक कंटेनर में या स्पेसिफिक डस्टबिन के अंदर फेंकनी है। उसकी अभी कुछ देर के बाद मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। उसके बाद आज का जो पाइपेटिंग है वो आपने माउथ के साथ नहीं करनी, वो आपने जो उसका एक बल्ब होता है या उसका जो बैंड होता है उसके साथ आपने करनी है, माउथ के साथ नहीं करनी। उसके बाद जी जब आप वर्क कर रहे हो उस वक्त भी आपने सर्वे साथ में करते रहना कि कहीं पे कोई प्रोडक्ट मिसिंग तो नहीं है या कोई चीज़ मिसप्लेस तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कंटेमिनेशन तो नहीं आ रही, तो आपने साथ साथ केयर करते रहना है। इसके अलावा जितनी भी आपके पास जो ट्यूब्स हैं वो ओइंग के साथ होनी चाहिए। ओइंग का मतलब ये है कि ट्यूब्स के ऊपर एक ब्लैक कलर का जिसको हम आम जुबान में वाशल बोलते हैं वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है जी। इनके आम सिंपल कवर वाली जो है ना वो टेस्ट ट्यूब का कवर आम सिंपल कवर ना हो, वो उसके ऊपर रिंग भी लगाओ ताकि वहां से लीकेज के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद है जी जो वोलेटाइल रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि वोलेटाइल भी है, तो उसका मजीद आपने केयर करनी है। उसको फिर आपने हुड के अंदर रखना है जो फ्यूम हुड होता है, ताकि जितने भी वो फ्यूम्स बने वो हुड के जरिए लैब से बाहर चलते जाए या वो किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर उनको ईजिली आप स्टोर कर सकें और डिकन्टेमिनेट कर सकें। उसके बाद जो भी वेस्ट है उसको आपने प्रॉपरली कैंस के अंदर रखना है। उसके बाद जब आपने अपना काम वर्क कंप्लीट कर लेना है तो उसके बाद अगेन आपने सर्वे करना है, सर्वे करके सारी चीज़ें आपने काउंट करनी है, सारी चीज़ आपने उसको डिकन्टेमिनेट करके तो फिर आपने लैब से अपने कपड़े वगैरह उतार के फिर आपने बाहर निकलना है। देन माइक्रो सेंट्रीफ्यूज जो यूज़ किया जाएगा उसको आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए वो आपने अलहदा रखना है, किसी और के साथ ये उसके साथ कोई और काम नहीं करता, ठीक है जी। उसके बाद फ्यूम हुड और बायो सेफ्टी कैबिनेट्स होने लाजमी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको जब आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ काम करना है तो आपके साथ मौजूद होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो साइन है, ये साइन बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये साइन जो है ये आ गया, ये लाजमी लगा होना चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ताकि पता चले कि ये रेडियो एक्टिव हैजर्ड है, ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ जो है ना आपने जब वर्क करना है तो ये सामने ग्लास शीट लाजमी होनी चाहिए, इस ग्लास शीट के आगे जो है साइड मटेरियल होने चाहिए, यहाँ पे आपने बैठना है ताकि अगर कोई स्पिलिंग होती है तो आप डायरेक्टली आप तक उसके जो ड्रॉप्स हैं या उसके जो स्प्लिट्स हैं वो आप तक ना पहुँचे, ठीक हो गया जी। सो प्रॉपरली ये ग्लास होने चाहिए आपके पास, कहना ये ग्लासेज होने चाहिए और आपने तो प्रॉपरली एमरजेंसी किट भी आपके पास ही होनी चाहिए ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको डील कर लें, ठीक है जी। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये उन्होंने बताया हुआ है कि जहाँ पे आपने बैठना है या जहाँ पे वो जो मटेरियल पड़ा है रेडियो एक्टिव वो बिल्कुल ग्लास के पास आपने नहीं रखना, ग्लास से थोड़ा सा आपने अवेयर रखना है। जितना आप ग्लास से अवेयर रखेंगे उतना ही आपके पास जो एरिया है
वर्किंग एरिया वो आपको ज्यादा अच्छा मिल जाएगा और आपकी प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो आपको ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है जी। सो ये जो वो कंटेनर है जहाँ पे आपने, अब जो वेस्ट है वो दो तरह का होता है, या तो ड्राई वेस्ट होगा या लिक्विड वेस्ट होगा। ड्राई वेस्ट के लिए आपने ये इस तरह के कंटेनर यूज करने हैं और वेट वेस्ट के, सॉरी लिक्विड वेस्ट के लिए आपने ये कंटेनर यूज करने हैं। ठीक है, जब आपने वेस्ट करना है। अच्छा, ये जो है जो वेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए प्रॉपरली कि जो जिस सिंक के ऊपर आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करना है या जहाँ पे जाया करना है, तो वहाँ पे उस सिंक के ऊपर भी प्रॉपरली लिखा हो, ये टैग वहाँ पे लगा होना चाहिए, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए दिस सिंक इज यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, दिस फॉलो इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होने चाहिए, मस्ट बी सॉल्युबल, पोर डायरेक्टली इनटू ड्रेन, देन रिकॉर्ड लिखा हुआ रिकॉर्ड डाटा एंड अमाउंट and do not exceed assigned limits. जितना आपको वहाँ पे जाया करने की इजाज़त है उससे ज़्यादा आपने वहाँ पे एक टाइम पे डिस्पोज ऑफ नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट वन आ गया कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको स्टोर आपने कैसे करना है। प्रॉपर उसके बैग्स होंगे, प्रॉपर बॉक्सेस होंगे, ठीक है जी, वो अवेलेबल हैं, जो कि labsafety.com एक वेबसाइट है, वहाँ तो वहाँ उस इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सारे बॉक्सेस मिल जाएंगे कैसे होने चाहिए। ये जो है वो कंटेनर है जिसके अंदर आपने रेडियो एक्टिव वेस्ट आपने डालना है, इस कंटेनर में नहीं डालना। ये जो है, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर आम या नॉर्मल वेस्ट के लिए है, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए नहीं है। अच्छा जी, रेडियो एक्टिव वेस्ट को जब आपने सेव करना है तो आपने ड्राई और लिक्विड वेस्ट को मिक्स नहीं करना, उनको लादा लादा रखना। उसके बाद जिनकी 100 डेज से बिलो है हाफ लाइफ उनको आप अलहदा सेव करेंगे, जिनकी 100 डेज से ज्यादा है उनको आप अलहदा सेव करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद मेथड जो है वो 5 है एक्चुअली जो वेस्ट करने के, पहले होल्ड फॉर डिके, इनके उनको आपने इतने टाइम के लिए रखना है ताकि वो प्रॉपरली डिके हो जाए और उसकी बिल्कुल क्वांटिटी माइन्यूट रह जाए। सेकंड है उनको आपने सैनिटरी सीवर के अंदर डंप करना है, लेकिन उसको सिर्फ सैनिटरी सीवर के अंदर डंप करना है जिसकी रेडिएशन लेवल बहुत लो है, इनका इंसिनरेशन है। थर्ड नंबर पे इंसिनरेशन का मतलब यह है कि ऐसा मटेरियल जो कंबस्टेबल है उसको आपने आग लगा देनी है। एक्चुअली इंसिनरेशन का मतलब है बर्निंग के जरिए किसी चीज को खत्म कर देना, तो आपने ऐसा मटेरियल जो कि कंबस्टेबल है उसको आपने फायर के जरिए बर्न कर देना है, लेकिन ये बर्निंग भी प्रॉपर चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर्स के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद अजी जो ज्यादा आप कह लें कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है या जो ज्यादा टॉक्सिक है उसको अपने डिस्पोजल साइट्स बनी होंगी प्रॉपरली, तो वहां तक आपने डिस्पोजल साइट्स तक लेके जाना है और फिर वहां पे जाके आपने डिस्पोज करना है। कुछ ऐसे मटेरियल है जैसे कि कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, जिनकी माइन्यूट क्वांटिटी हैजर्डस नहीं है, तो उनको आप ऐसे ही डिस्पोज कर सकते हैं जैसे कि वो रेडियो एक्टिव नहीं है, राइट। तो ये उनकी थोड़ी सी डिटेल है। या क्या जैसे कार्बन है या जैसे हाइड्रोजन के जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनके अगर जो आप कह सकते हो उनकी जो कंसंट्रेशन अगर 0.05 माइक्रो क्यूवी पर एमएल से कम हो, क्यूवी जो है वो इसका यूनिट है रेडिएशन का, तो अगर वो लो रेडिएशन है तो उनको डिस्कार्ड किया जा सकता है कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो फिर उसको प्रॉपरली आपने डिस्पोज करना है, ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो वेस्ट डिस्पोजल हैं उनके ऊपर टैग्स प्रॉपर लगे होने चाहिए, टैग्स के ऊपर जो है आपने बताना है कि आइसोटॉप कौन सा है, एक्टिविटी उसकी क्या है, किस मकसद के लिए आपने यूज कर रही है, वॉल्यूम उसमें कितना है, किस डेट को आपने स्टोर किया था, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या जो वर्कर है या जो साइंटिस्ट है उसका नाम होना चाहिए और देन लैब का नंबर लिखा होना चाहिए, ठीक है जी। सो ये सारी चीजें जो है उस टैग के ऊपर लिखी होनी चाहिए। अगर ड्राई वेस्ट है तो उसका वॉल्यूम क्यूबिक फीट में आप लिखेंगे, लेकिन अगर लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम लीटर्स के अंदर लिखेंगे, ठीक हो गया जी। विदाउट वेस्ट टैग जो है आप कभी भी उसको पिक नहीं करेंगे, ना ही उसको आप
यूज करेंगे ना ही उसको आप प्लेस करेंगे कहीं पे। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा था हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, और उसके बाद उसकी वेस्ट, उसको आपने प्रॉपरली कैसे करना है, वेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है, और वेस्ट करने के लिए उसके ऊपर कौन सा टैग लगाया जाता है। राइट, तो इसमें कोई आपका क्वेश्चन है अगर तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।